हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवेयर माइंड। माय नेम इज अंजलि और सबसे पहले आप सभी को थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, सो दैट जो भी मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रेपरेशन अच्छे तरीके से चलती रहे। सो गाइज, आज हम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टॉप 5 आइकॉनिक साइट्स हैं उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को जानेंगे और डिटेल में चीजों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है। तो पहली जो आइकॉनिक साइट है हमारी राखीगढ़ी, जो हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, ये है हमारा इंडिया और ये हरियाणा और ये रहा हमारा हिसार में राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी इन हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड लार्जेस्ट साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट इज वन अमंग द 5 नोन टाउनशिप ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो 5 टाउनशिप है हड़प्पन सिविलाइजेशन के, उनमें से एक आता है हमारा राखीगढ़ी। बिटवीन 2013 एंड 2016 एक्सकेवेशंस वर कैरिड आउट एट द सिमिट्रिन राखीगढ़ी बाय टीम ऑफ इंडियन एंड साउथ कोरियन रिसर्चर्स लेड बाय बसंत सिंधे ऑफ डेक्कन कॉलेज पुणे। 2013 और 2016 के बीच में यहाँ पे खुदाई की गई इंडियन और साउथ कोरियन की जो टीम्स हैं जिसको लेड किया गया था बसंत सिंधे ने। टोटल 62 ग्रेव्स को यहाँ पे फाइंड आउट किया गया राखीगढ़ी में। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट आइकॉनिक जो हमारी साइट है वो है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर ये हमारा जो है महाभारत वाला हस्तिनापुर ही है। एक्सकेवेशन एट हस्तिनापुर मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हस्तिनापुर फाइंड्स मेंशन इन महाभारत एंड पुराणास। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज मेड एट द साइट वॉज ऑफ द न्यू सेरेमिक इंडस्ट्री। जो न्यू सेरेमिक इंडस्ट्री है वहां पे उसको खोजा गया यहाँ पे हस्तिनापुर में। विच वॉज नेम्ड द पेंटेड ग्रेवेयर, जिसको नाम दिया गया पेंटेड ग्रेवेयर, विच एज पर द रिपोर्ट रिप्रेजेंटेड द रेलिक्स ऑफ द अर्ली इंडियन आर्यंस। मतलब यहाँ पे अर्ली इंडियन इंडो आर्यंस जो थे उनका यहाँ पे पता लगाया कि वो भी यहाँ पे उनके जो अस्तित्व है पाया गया। इसके बाद सचिन एसोसिएशन में ऑल्सो एक्सप्लेन द एसोसिएशन है, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया कि सिंक्रोनिज्म बिटवीन द अपेरेंस ऑफ द पेंटेड ग्रेवेयर इन द घाघर सतलज वैलीज एंड द प्रोबेबल डाटा ऑफ द अराइवल ऑफ द आर्यंस इन दैट एरिया। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट आइकॉनिक साइट जो है सिवा सागर, जो कि हमारी आसाम में पड़ती है। इन सिवा सागर एक्सकेवेशन एट द करणगढ़ कॉम्प्लेक्स बिटवीन 2000 एंड 2003 लेड टू द डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड स्ट्रक्चर इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे खुदाई की गई करणगढ़ कॉम्प्लेक्स बिटवीन 2000 से लेके 2003 के बीच में। और अमंग द स्ट्रक्चरल रिमेन्स फाउंड एट द साइट, मतलब स्ट्रक्चरल रिमेन्स यहाँ पे पाए गए जो कि सेरेमिक असेंबलेजेस थे जिसमें हमारा वेसेस, डिशेस, बॉल्स एटसेट्रा पाए गए। टेराकोटा स्मोकिंग पाइप्स भी यहाँ पे मिले गए। अनदर एक्सकेवेशन साइट जो है सिवा सागर डिस्ट्रिक्ट में इज द ग्रह गांव, जो राजाज का पैलेस है वो भी यहाँ पे पाया गया। अ बर्न ब्रिक वॉल, जो मतलब पकी हुई ईटों की जो वॉल होती है रनिंग इन नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन वॉज फाउंड, वो भी यहाँ पे मिली अलॉन्ग विद द रिमेन्स ऑफ टू ह्यूज सर्कुलर वुडन पोस्ट। दो ह्यूज सर्कुलर वुडन पोस्ट है उनको भी यहाँ पे पाया गया। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट आइकॉनिक साइट जो कि धोलावीरा है। धोलावीरा जो है हमारी धोलावीरा इन गुजरात इज लोकेटेड इन द खादिर आइलैंड ऑफ द रन ऑफ कच्छ। धोलावीरा जो है गुजरात के जो खादिर आइलैंड है रन ऑफ कच्छ में, वहां पे पाया गया है ये। एंड लाइक राखीगढ़ी, राखीगढ़ी के तरह इज वन ऑफ द साइट्स वेयर द रिमेन्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशंस हैव बीन फाउंड। राखीगढ़ी की तरह ही यहाँ पे भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो रिमेन्स है वह पाए गए हैं यहाँ पे। धोलावीरा इज यूनिक बिकॉज धोलावीरा यूनिक है क्योंकि रिमेन्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वाटर सिस्टम हैव बीन फाउंड हियर। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स वाटर सिस्टम है वो यहाँ पे पाया गया है। द पीपल हु लिव्ड देयर, जो लोग वहाँ पे रहते थे फॉर एन एस्टिमेटेड 1200 साल पहले ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन आर नोटेड फॉर देयर वाटर कंजर्वेशन सिस्टम यूजिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स इन एन अदरवाइज पास्ड लैंडस्केप। मतलब उस टाइम पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को यहाँ पे खोजा गया है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, आदि चंदलूर के बारे में जानेंगे। आदि चंदलूर जो है हमारा टूटीकोडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो कि तमिलनाडु में है। द अनब्यूरल साइट वॉज फर्स्ट
ब्रॉट टू लाइट ड्यूरिंग हैफजार एक्सकवेशन हुआ था यहाँ पे एक जर्मन आर्कोलॉजिस्ट थे 1876 में। इसके बाद एन इंग्लिश मैन अलेक्जेंडर रे इन्होंने एक्सकवेटेड किया, खुदाई की द साइट बिटवीन 1889 से लेकर 1905 तक। ओवर द ईयर द साइट हैज गेन अटेंशन, मतलब सालों साल ये साइट जो है अटेंशन गेन करने लगी तीन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की वजह से, जो कि था द डिस्कवरी ऑफ एन एंशियंट तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जो एंशियंट तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट है हमारा, वहां ये स्क्रिप्ट यहाँ पे खोजी गई। इसके बाद ऑन द इनसाइड ऑफ द अर्न कंटेन अ ह्यूमन फुल ह्यूमन स्केलेटन को पाया गया, अ फ्रेगमेंट ऑफ ब्रोकन अर्थन वेयर, मतलब मिट्टी का बर्तन यहाँ पे पाया गया, एंड द रिमेन्स ऑफ लिविंग क्वार्टर्स, और जो लिविंग क्वार्टर्स है उनके अवशेष भी यहाँ पाए गए। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज।